छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में धान खरीद को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा धान खरीद की तैयारियों को लेकर जिले के राजस्व अमलों सहित राइस मिलर्स व सहकारी समिति प्रबंधकों की बैठक ली गई। अपर कलेक्टर SN मोटवानी की उपस्थिति में कलेक्टर ने धान खरीद को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बारदाने की विशेष तौर पर निश्चित समय में उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर सभी राइस मिलर्स ने बारदाना निश्चित समय अवधि में उपलब्ध करवाने की बात भी कही। कलेक्टर ने सभी राइस मिलर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जिले की प्रगति में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए जिले की प्रगति के लिए निरंतर अच्छा कार्य करें तथा समय सीमा में 100% मिलर्स को बारदाना जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि मिलर्स को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसका संबंधित अधिकारी भी विशेष ध्यान रखे। इसके साथ ही कलेक्टर ने 100% किसानों के पंजीयन करने के भी निर्देश दिए हैं। सूरजपुर से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। इस साल कोरोना संक्रमित को देखते हुए हम लोग एकदम शांति ढंग से और पंडाल के अंदर हम किसी को प्रवेश निषेध कर दिए हैं। पुजेरी और पंडित जी के अलावा कोई यहाँ अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई दूसरे कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। हम लोग आपस में दूरी बनाकर रहेंगे और बाहर में जो व्यक्ति आएंगे दूर से ही दर्शन करेंगे और बाहर में हम हाथ धोने के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं, जल का, सेनेटाइजर का, साबुन का और मास्क लगा के ही यहाँ पर नज़दीक जो भी घूमेंगे देखेंगे दर्शन दूर से करेंगे वो मास्क लगा के ही रहें और किसी को प्रवेश करना हमने वर्जित कर दिया है। अन्य साल की अपेक्षा इस वर्ष कैसा लग रहा है? अन्य साल की अपेक्षा इन साल माहौल तो इससे शांत है और उतना रज गज तो महसूस नहीं हो रहा, पर भगवान भगवती का पूजा है और पूजा का हर साल जब होता रहा है तो कम से कम आसन आया है तो आसन में पूजा पाठ तो करेंगे ही और भाई लोगों का आने जाने का व्यवस्था तो रोक दिया गया है और माहौल को कोई टेंट वगैरह कोई ड्रामा पार्टी कुछ इधर उधर नहीं करना है, शांत भाव से पूजा पाठ करना है और माहौल तो इसे शांत लग रहा है, लेकिन चलिए शांति प्रिय से। विसर्जन में किस प्रकार से रहेगा? विसर्जन में हमने सभी को दो चार भाई लोगों को बुला करके मास्क लगवा करके और माता जी का विसर्जन चूँकि उठाना पड़ेगा इसलिए दो चार लोगों को दूरी बना करके हमने सोचा है गाड़ी में रख के और जलवास करवा देंगे और बाकी भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, किसी प्रकार का उत्सव किसी प्रकार का रंग अबीर ये सब नहीं होगा। ग्राम सतनगर से, ग्राम सतनगर में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है जिसमें शासन का निर्देशानुसार जो गाइडलाइन शासन जो बनाए हैं उसका पालन करेंगे, पूजा पाठ दूरी बना कर करते करेंगे, करने के बाद अपने अपने चले जाएंगे। इसमें पूजा पाठ में भीड़ भाड़ किसी प्रकार के नहीं करेंगे, सावधानी बरतते हुए पूजा पाठ करेंगे। विसर्जन के दिन में बाजा उजा ले के नहीं जाएंगे, सही लेके जाएंगे और अपना विसर्जन करके वापस आ जाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं रखेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.